सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब, दिस इज कनाल। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो पहले रिप्रेजेंटेशन तो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सीखते हैं कि इरेशनल नंबर होता है क्या। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि देखो रेशनल नंबर पहले क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में डिनोट कर सकें। ठीक है, और उसका q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इरेशनल मीन्स इसका जस्ट अपोजिट कर लो, वो इरेशनल हो गया। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता हो और q इज इक्वल टू जीरो भी नहीं हो। ठीक है, दोनों कंडीशन नहीं हो। ठीक है, तो उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके देखो, एग्जांपल हो गया रूट टू, रूट थ्री, पाई, रूट फाइव। आप इन नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप इन नंबर्स को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मींस वो इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, अब एक स्टेटमेंट आता है कि क्या हर पॉजिटिव रियल नंबर का रूट, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट वो इरेशनल होता है। तो अब देखो यहाँ पे भी टू का रूट लिए हैं तो टू भी वो भी इरेशनल है। ठीक है, और थ्री का लिए हैं तो थ्री का भी इरेशनल है। बट अगर आप यहाँ फोर का रूट लेते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है टू प्लस माइनस टू। ठीक है, ये प्लस माइनस टू का कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ में आएगा, बट यहाँ पे समझ लो कि अगर टू और थ्री का, ठीक है, अंडर रूट हम ले रहे हैं तो इरेशनल आ रहा है। बट यहाँ अगर फोर का हम ले रहे हैं तो ये टू प्लस माइनस टू आ रहा है। ठीक है, ये कैसे होता है, देखो अंडर रूट का मतलब होता है कोई भी नंबर का अगर हम टू का अंडर रूट ले रहे हैं तो टू की पावर 1/2। ठीक है, तो ये आप तो जानते होंगे लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1/2 हो गया। तो ऐसे ही अगर 4 का लेते हैं, 4 का रूट लेते हैं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है ये 4, इसका 1/2 अगर लोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2। ये तो कट गया, ये आएगा 2, बट इसको प्लस माइनस 2 से डिनोट करते हैं क्योंकि 4 जो होता है वो माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है और 2 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों लेते हैं, दोनों वैल्यू प्लस और माइनस में भी। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो इरेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन मैंने बताया ही था कि एक लाइन लो। ठीक है, तो उस पर कोई एक तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट चूज करना ही होगा। जैसे ये जीरो हो गया, अब इससे इधर वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इधर वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव। तो इधर जैसे जैसे मूव करोगे इधर नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। ठीक है, इधर जैसे जैसे मूव करोगे वो पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। अब अगर रेशनल नंबर की बात होती कि नहीं, तुम दो दो मैं बोल रहा हूँ उसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो आप सीधे सीधे बोल देते कि ये टू पॉइंट है, ये हो गया टू। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि रूट टू को रिप्रेजेंट करो, रूट टू को। तो कहीं भी आपको नंबर लाइन पे रूट टू तो दिख नहीं रहा, रूट टू दिख नहीं रहा, फिर कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो इसके लिए देखो एक हमको पढ़ना पड़ेगा पहले पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल इसके लिए यूज होता है। बट आपको यहाँ अगर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये होता क्या है, देखो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं हम, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस, क्योंकि इस बेस पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बेस पे ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो एच का स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है।
कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, जो इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो इस परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही से हमको अगर आप बोल दिया जाता आपसे कि रूट टू को, ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, पहला क्वेश्चन आपका है कि रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो मान लो रूट टू को ये रूट टू हो गया, हाइपोटेनियस मान लो, हमेशा रूट टू को आप हाइपोटेनियस मानोगे, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनियस मान लिया हमने रूट टू को, अब रूट टू हाइपोटेनियस हो गया, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर देखो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, बस यहीं पे देखो डिफिकल्टी आती है, ठीक है। बोलते हैं बच्चे कि सर नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहीं पे डिफिकल्टी आती है। तो डिफिकल्टी क्या आती है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है और बेस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कौन सी वैल्यू सजेस्ट कर रहा है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ आपको चेक करना होगा, आपको जनरली दो दो चार ही रूट के नंबर दिए जाते हैं, जैसे रूट थ्री दे दिया, रूट फाइव हो गया, तो वो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये हो गया वन का स्क्वायर, ये हो गया वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया टू, और इसको अगर इधर ले जाओगे तो ये हो गया वन बाई टू, तो ये रूट टू इज इक्वल टू रूट टू प्रूव हो गया, ठीक है। अब प्रूव हो गया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या, पी इज इक्वल टू वन है और बी इज इक्वल टू बी वन है, ठीक है। तो पी और बी की वैल्यू तो हमें समझ में आ गई। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई नंबर लाइन होगी, यहाँ ये जीरो पॉइंट है, ये वन पॉइंट है, ये टू पॉइंट है, इधर थ्री पॉइंट है, ठीक है। अब हमको रिप्रेजेंट करना है रूट टू को, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एक ट्रायंगल होगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। अगर ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, तो आपको जीरो से हमेशा जब भी कोई नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, तो आप इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन से आप स्टार्ट करोगे, तो आपका बेस कितना है, बेस ऑलवेज आपको क्या रिमेम्बर करना है, बेस किसी भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप हमेशा बेस को फोकस करोगे। बेस क्या है, बेस आपका वन है, वन यूनिट, तो यहाँ से वन यूनिट आप मूव करोगे, ठीक है। आप यहाँ से वन यूनिट मूव करोगे, अब वन यूनिट मूव किए, अब उस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे कितना एंगल गिराना है, 90 डिग्री पे कितनी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की भी वैल्यू वन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर की भी देखो वैल्यू वन थी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी वन यूनिट यहाँ पे इस पर वो करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर खींच दिए, अब परपेंडिकुलर तो खींच दिए, तो हाइपोटेनियस भी तो खींचोगे भाई, ये दोनों पॉइंट जब मिला दिए तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये एच हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया। तो एच की वैल्यू क्या है आपको पता है, रूट टू, यही तो यहाँ पे एज्यूम किए थे ना आप, यहाँ पे देखो एच था, ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच की वैल्यू क्या आप यहाँ एज्यूम किए थे, रूट टू। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू। बट अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको तो बोला है कि इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है ना, लेकिन आपकी लेंथ तो ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी यूज होती है सर्कल की, सर्कल की देखो क्या प्रॉपर्टी होती है, कि अगर आप कोई भी सर्कल खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसके पॉइंट से आप रेडियस किसी भी डायरेक्शन में नाप लो, वो रेडियस सेम होती है, सेम लेंथ की होती है ना। तो यहाँ पे आपको एक कंपास लेना है, ठीक है, उसका निडल इस पॉइंट पे पुट करना है, ठीक है, उसका निडल इस पॉइंट पे पुट करना है, और उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है, इतने डिस्टेंस पे फिक्स करके उसको सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर दो, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे रूट टू है, तो ये डिस्टेंस ये वाली ये भी रूट टू ही होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जनरली रिप्रेजेंट कर दो कि ये हमारी डिस्टेंस रूट टू है, ठीक है। तो ये तो आसान था, अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए दूसरा आपको बोल दिया कि रूट थ्री का बनाइए, ठीक है, रूट थ्री का बनाइए, तो रूट थ्री के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो रूट थ्री के लिए तो दो स्टेप हो सकता है, या तो आप सिंपली करो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, जैसे आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आई, अभी मैंने बताया था ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम से आ गई,
अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू सेलेक्ट करनी और बेस की, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू वही होती है जिसके जिसका आपको बोला रहेगा कि आप इसका रिप्रेजेंटेशन करो उस पे लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम देख लिए कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, रूट थ्री। तो यहाँ से रूट थ्री का होल स्क्वायर करो इज इक्वल टू, अब बेस देखो बेस क्या लेना है तुम्हें, बेस तो सिंपली वन ही रहेगा, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये रूट टू हो जाएगी, ठीक है रूट टू हो जाएगी। लेकिन हमको नंबर लाइन पे तो कहीं गिवन नहीं ना है कि नंबर लाइन रूट टू यूनिट खींचो, तो इसके लिए एक सिंपली स्टेप होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहाँ रूट टू हो गई गिवन, और बेस की वैल्यू वन यूनिट, ठीक है। एक नंबर लाइन लो, ये दो स्टेप में आप बनाओगे कि जब भी आपको रूट थ्री या रूट थ्री का बोलेगा तो इसके लिए दो स्टेप करना पड़ेगा आपको, ये जीरो ये वन ये टू ये थ्री, नेगेटिव हमको नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस कितना है वन यूनिट, ये वन यूनिट का यहाँ खींच लिया आप। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली अब रूट टू नहीं लेना आपको, आप तो बोलोगे नहीं परपेंडिकुलर की रूट टू वैल्यू आई है, लेकिन हमको रूट टू यहाँ नहीं लेना, क्योंकि अगर रूट टू लेना ही होता तो डायरेक्ट आप यहाँ रूट टू खींच के बोल देते कि ये रूट टू हो गया, अब हम और खींचते रहे इतना दूर ये रूट थ्री हो गया, बट ये नहीं ना है, हमको तो स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ेगा ना। ये वन हो गया, आप वन यूनिट का इस पर और एक लाइन खींचोगे, ठीक है वन यूनिट का, अब इसको मिला दोगे जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है यहाँ पे, तो ये तो रूट टू आया, अभी पिछले क्वेश्चन में बात किया था ना रूट टू, लेकिन आपको बात क्या करनी है रूट थ्री की। तो इसके लिए एक होता है, अभी आगे मैं बता दूंगा, चाहे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ, हो सकता है कि स्पाइरल रूट स्पाइरल ये एक छोटा सा उसका पार्ट यहाँ पे यूज होगा रूट स्पाइरल का, ठीक है। तो इसके लिए हम ये बेस हो गया, ठीक है ठीक है, तो ये बेस हो गया, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे वन यूनिट का, ठीक है वन यूनिट, फिर इसके बाद ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट इससे मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जब इससे मिक्स हो गया तो ये तो वन था, ये रूट टू हो गया ये वाली, अब यहाँ पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जब परपेंडिकुलर की वैल्यू आई वन, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आएगी रूट थ्री आ जाएगी, और बेस की वैल्यू क्या है रूट टू, यही ना। आप यहाँ देखो यहाँ पे एज्यूम क्या कर रहे थे आप, हाइपोटेनियस था रूट थ्री, परपेंडिकुलर था वन, बेस था रूट टू, तो वही देखो हम यहाँ पे लिए हाइपोटेनियस रूट थ्री आ रहा, बेस रूट टू, परपेंडिकुलर वन, तो ये क्या आ जाएगा रूट थ्री, ठीक है रूट थ्री आ गया। अब सेम वर्क यहाँ पे भी करना है आपको, कंपास लेना, ठीक है कंपास जैसा ऐसे होता है कंपास कुछ, ठीक है यहाँ पे पेंसिल लगी होती है ऐसे, ये निड वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पुट करना आपको इस पॉइंट पे, इतने लेंथ की डिस्टेंस उसमें फिक्स करनी, ये डिस्टेंस जो होगी इतने लेंथ में पुट करनी है, फिर उसके बाद इसको सर्कुलर आर्क बना दोगे आप, ठीक है। यहाँ तो नहीं आएगा फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो ये मान लो हाफ आएगा, इससे कुछ इधर ही आएगी, ये ऐसे होती है, ठीक है ये सर्कुलर आर्क आप बनाओगे जब, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका रूट थ्री, तो आप ऐसे डिनोट कर दोगे, ठीक है कि इतनी डिस्टेंस क्या होगी हमारी रूट थ्री, तो आपको ऐसे डिनोट करना है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा स्पाइरल के बारे में, ठीक स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे करते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।